हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि पिक्चर बिल्कुल धुंधला आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ये टीवी सैमसंग का है, पर आपको किसी भी कंपनी का टीवी हो, सैमसंग, एलजी, ओनिडा या लोकल कोई भी कंपनी का टीवी हो, अगर पिक्चर धुंधला आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाऊंगा और आप खुद कर पाएंगे। देखिए, मैंने मेनू प्रेस किए कर रखा है, फिर भी आपको इतना धुंधला दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये एसटी में दो नॉब होता है, इसमें ऊपर वाले नॉब को आपको घुमाना है, ठीक है, और पिक्चर को देखना है क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर इसी से क्लियर हो जाता है तो ठीक है, नहीं क्लियर होता है तब आपको क्या करना है, इसका बेस जो है, ठीक है, ये पिक्चर टिप का जो बेस लगा हुआ है, ठीक है, मैं बेस दिखा देता हूँ, उसको बदलना होगा, मैं बदल के भी दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए ऊपर वाले को घुमाना है और मैं फिर से घुमाते हुए आपको स्क्रीन तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने मेनू प्रेस किया। ठीक है, अब देखिए आप किसी एक पर गौर कीजिए, देखिए थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, फिर ब्लर हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम जहाँ पे क्लियर हो वहाँ पे आपको इसको छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ देने के बाद अब आपको क्या करना है, बेस इसका चेंज करना है, क्योंकि पूरा क्लियर इससे नहीं हो रहा है, इसलिए अब आपको बेस भी चेंज करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, सप्लाई को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे जो बेस है, आपको बेस निकालने के लिए क्या करना है, ये सभी पॉइंट को, ठीक है, एक दो और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये सभी 9 पॉइंट होते हैं। ठीक है, अगर ये खाली है तो 8 होगा, नहीं तो यहाँ रहता तो 9, सभी को आपको डिसोल्ड करके निकाल लेना है बाहर। ठीक है दोस्तों, जब डिसकनेक्ट हो जाए, सब डिसोल्ड हो जाए, इसको निकाल लीजिए। ठीक है, बेस उसी में रह जाएगा, बाकी सब जो बेस का किट है वो पीसीबी जो है बाहर जाएगा। अब देखिए, अब इसको हो जाने के बाद अब यहाँ से इसको निकालना है। ठीक है, देखिए इसको दबाना है आपको, इसको दबा के इसको बाहर तरफ खींचना है, आसानी से निकल जाएगा। सेम इसमें भी उसी तरह करना है, इसको दबाना है, ठीक है, और बाहर तरफ खींचना है, बिल्कुल इसी तरह निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको देखना है कि यहाँ पे ये जो है तार थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, इसको भी काट के हटा देना है। तोड़ के मैंने हटा दिया, और उसके बाद इसको अच्छे से छील के फिर से इसमें रंगा लगा लेना है। उसके बाद आपको नए वाले बेस में इसका कनेक्शन करना है। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, नया बेस लेना है। ठीक है, आपको मार्केट में ये बेस ले जाकर दिखाना है, आपको ये बेस मिल जाएगा। ठीक है, या फिर इससे सिमिलर थोड़ा मोड़ा इधर उधर भी बेस मिलेगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब बेस लगाने के समय सबसे पहले आप क्या कीजिए, बेस को सही तरीके से बैठा लीजिए। ध्यान रहे इसका पिन जो है, ठीक है, देख लीजिए इसमें आपको सभी पिन है, यहाँ पर एक पिन नहीं है। ठीक है, तो इस पिन की ज़रूरत नहीं था, पीसीबी में भी आप देखेंगे तो ये पिन वैकेंट ही पड़ा हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, तो उससे सभी पिनों को आप सही तरीके से इसमें बैठा लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोई भी एक दो पिन को आप थोड़ा थोड़ा मोड़ दीजिए ताकि आपको फिर बेस निकले नहीं। मैंने एक यहाँ का फोल्ड कर दिया और मैं एक यहाँ का फोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, इसको लगा दीजिए आप, ये पतला वाला जो है, ठीक है, इसको आप यहाँ लगा दीजिए, उसे थोड़ा सा मोटा जो है उसको आप वहाँ लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, बेस को अच्छे से बैठा देना है। नया बेस थोड़ा सा हार्ड जाएगा तो आप ये ना सोचे कि बेस थोड़ा छोटा मिल गया मुझे। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से सभी पिन को, ठीक है, सभी पिन को एक एक करके इसी तरह सोल्डिंग कर लेना है। इसे सोल्डिंग हो जाने के बाद, ठीक है, अब मैं इसको वीडियो सिग्नल देके ऑन करके आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हैं लगभग लगभग क्लियर आ रहा है। ठीक है, फ्लैश की वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो, यानी बिल्कुल क्लियर आ रहा है पिक्चर। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और टीवी में जो भी प्रॉब्लम में आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।